राजस्थान में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश की दो सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव के ऐलान के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही है। बीजेपी ने वल्लभ नगर सीट से हिम्मत सिंह झाला और धरियाबाद सीट से खेत सिंह मीणा को टिकट दिया है। वल्लभ नगर में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया की ही चली और उन्होंने जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर या उनकी पत्नी को आखिरकार बीजेपी का टिकट नहीं लेने दिया। अब ऐसी खबरें हैं कि भिंडर निर्दलीय ही वल्लभ नगर सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने ये संकट है कि भिंडर के सामने बीजेपी उम्मीदवार को दिक्कत हो सकती है। पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार तीसरे स्थान पर था, वहीं भिंडर सिर्फ 2,500 वोटों से चुनाव हारे थे। बीजेपी के सामने अब भीतरघात का खतरा बना रहेगा। वहीं कांग्रेस की ओर से वल्लभ नगर सीट से प्रीति शक्तावत और धरियाबाद सीट से नगराज मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों सीटों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से वल्लभ नगर से गजेंद्र शक्तावत और धरियाबाद से बीजेपी की ओर से गौतम लाल विधायक चुने गए थे। दोनों विधायकों का निधन होने के बाद ये दोनों सीटें खाली हो गई थीं, जिन पर अब 30 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। चुनाव के परिणाम 2 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी अब किसी भी कीमत पर अपनी अपनी सीटें बचाना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।